सकता हूँ, कहीं पानी में फंस गए, एक मिनट तो रुक जाओगे ना सांस, एक मिनट लाइफ से थको हारो मत और आगे बढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, स्ट्रगल करते रहो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और गाइस मैं बहुत ज़्यादा बोर हो चुका हूँ और बिल्कुल भी इस लॉकडाउन में मैं वर्कआउट नहीं कर पाया, घर पे हूँ, पड़ा हूँ और मैं आज सोच रहा हूँ कि स्टेडियम में जाऊँ अपने और वहाँ पे वर्कआउट करूँ और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या एक्टिविटी हो रही है। काफ़ी टाइम से मैं गया नहीं हूँ। पवन सारी पूरी टीम मेरी उधर ही है। पवन रोज़ मिलता है, फ़ोन पर बात होती है तो बोलता है बहुत हैवी वर्कआउट चल रहा है और अब मैं जाके देखूँगा कि कैसे इनका हैवी वर्कआउट चल भी रहा है या बोल रहे हैं या रूमर्स या फिर डरा रहे हैं मुझे। तो मेरे चैनल पे बने रहिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। सो अभी मैं छुपते छुपाते निकला हूँ घर से और स्टेडियम के लिए निकल चुका हूँ। तो कि आप मास्क पहन के रखिएगा, ये रहा मास्क। तो और हाँ, वैक्सीनेशन ज़रूर कराइएगा प्लीज़, अपना और पूरी फैमिली का। और बिल्कुल बढ़िया तरीके से रहो यार, हैप्पी रहो, बिल्कुल परेशान होने की कोई बात नहीं है। और मैंने भी बहुत चीज़ें हैंडल की हैं इस लॉकडाउन में, लास्ट लॉकडाउन के कंपैरिजन तो बहुत चीज़ें हैं। तुम उस उन चीज़ों को मूव ऑन करो और आगे बढ़ो। और देखो ये जीवन है, कुछ ना कुछ सिखाती है और हमें सीखना चाहिए। तो अभी हम निराश ना हो के, परेशान ना हो के, हम थक हार के घर भाई बैठ जाते हैं कि भाई थक गए हार गए, तो बिल्कुल लाइफ से थको हारो मत और आगे बढ़ते रहो और मेहनत करते रहो, स्ट्रगल करते रहो। और बाकी मेरे चैनल पे बने रहिएगा और पूरा आज कवरेज मैं कर रहा हूँ, पवन क्या एक्सरसाइज कर रहा है, स्टेडियम पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैंने पवन को बिल्कुल भी कॉल नहीं करा कि मैं आ रहा हूँ और मैं सरप्राइज दूंगा सबे, देखते हैं क्या होता है स्टेडियम में। और खुश रहो यार, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो अभी मिलते हैं, फिर सीधा स्टेडियम पे मिलते हैं। गाइस मैं स्टेडियम पहुंच चुका हूं और अभी यहां पे वाओ वीरू है और सुबोध भाई हैं, वीरू भाई हैं और पवन कार में बैठा है, पता नहीं क्या कर रहा है। अभी देखते हैं उतर के, ये देखो। हेलो जी, ये देखो कार में, पता नहीं किसी कार है आगे, ये देखो ये वर्कआउट चलता हुआ ये वर्कआउट चलता हुआ गाड़ी में वर्कआउट चलता हुआ देख लो सब। हाँ, और ये सोनित द जिमर बॉय आ गया हूँ, देखूंगा आज कहाँ का कर रहे हो तुम। और एक डेढ़ महीने बाद आया हूँ मैं स्टेडियम में, जो कि आज हमारे गुरुजी हमें बहुत मिस कर रहे थे। हाँ जी गुरुजी, कैसे हो? और ये हमारे सुबोध भाई हैं, बहुत लंबे लंबे सिक्सेस मार रहे हैं, छक्का ना बहुत मार रहे हो तुम्हें भाई जी, आपसे सीख रहा हूँ मैं बस। और अभी स्टेडियम पहुँचे हैं, अब देखते हैं कैसे वर्कआउट करेंगे। देखो भैया पहला दिन है, थोड़ा ध्यान रखें मेरा, अभी तो थोड़ा हल्का ही चल रहा है। हाँ सही है। हाँ जी, तो आपका काफ़ी डेढ़ महीने बाद आए हो, ये देखो डाइट हमारी। हाँ गुरुजी क्या कह रहे थे आप? आप देख रहे होंगे लाइव में काफी अच्छा वर्कआउट करा रहे हैं और काफी अच्छा वर्कआउट कर रहे थे गुरुजी। मेरे जो कमर में हाँ, यहाँ पता दर्द सा हो रहा है, आज इसे खोल देंगे हम, मसाज दे देंगे। ओके, आज स्ट्रेचिंग करेंगे, कोशिश करेंगे इसे खोलने। तो भाई अभी हम बैग चेक करेंगे जिम का, कौन क्या क्या ला रहा है। सोनी सबसे पहले तू लेके आ भाई, तू लेगा पहले, यू है मैन। देखो ये मेडिकल स्टोरी है सोनित का, मारा है अभी अरुण भाई ने, ये सारी दवाई है इसका। हाँ खोल ना जा रही दवाइयों, ये देखो ये सोनित हमारे बॉडी बिल्डर। ओ भाई साहब क्या क्या सिस्टम है, दो दो परफ्यूम होंगे। और ये देखो ये हमारे भाई का ये बैग है, ये मिनी अपना मेडिकल स्टोर, मिनी मेडिकल स्टोर लिए घूम रहे हैं, बढ़िया फर्स्ट क्लास। तो कैसे लगता है आपको जब ये आप ये खोलते हो, रोज खोलते हो, देखते हो, खाते हो, कुछ इम्प्रूवमेंट है इस चीज से? भाई कौन खा रहा हूँ, ना खाता हूँ तो वैसे ही हवा बनाने को ये रख रहा है भाई, लॉकडाउन खोलते ही फिर फुल अप लॉकडाउन होने पर है।
कोई आया हो लाल गाड़ी में? ओ वारी ना उरी बीरू आया जत्रा कौन बीरू भाई घर है। सो अभी स्ट्रेचिंग करी है और बहुत ज्यादा स्ट्रेचिंग करा दी वीरू भाई ने और अभी लग रही है प्यास। तो एक ये लेमन वाटर है और ये सिंपल वाटर है, तो अभी मैं लेमन वाटर पीऊंगा, होना कुछ नहीं है। ये सोनित कह रहा था इसे पी के बीपी लो हो जाएगा। ए भाई बीपी लो हो जाएगा तेरा? वाह बहुत बढ़िया। तो अब ऊपर अभी वीडियो बना रहे हैं पवन और मोहित, अभी देखते हैं, अभी वर्कआउट करेंगे सारे। अब पीछे घुमा दो जरा, दिखा दो पूरा। यहाँ से दो कदम चल के अपना जो भी ठीक है जिंदा हट मारे उसके बाद देख के मैं ठीक है। भाई ये तुम्हारी जिंदगी की ना आप है, ठीक है? तुम अपनी तुम अगर जो बताओ कहीं पानी में फंस गए, एक मिनट तो रुक जाओगे ना सांस, एक मिनट बस जान लगा दो, चलो मोहित कैसा लगा? अभी नहीं बता पाऊंगा, अभी नहीं बता पाएगा, हालत खराब है। और कैसी रही? बहुत अच्छी लगी भाई, बहुत अच्छा लगा आपके साथ स्टार्टिंग टाइम में। ये आदमी कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ खावा खावा की फिल्म बना रखी है। क्या भाई क्या क्या रवैया है ये? भाई जी मैं मोटिवेट कर रहा हूँ इन बंदों को। अच्छा शाबाश। ये गुरुजी हमारे सास गुरुजी बहुत अच्छे। हमारी पहली रेस हुई है उसमें थोड़ी चीटिंग हो गई है, इनको पता है डेली दौड़ना है, फिर भी ये चीट कर गए हैं, मजा नहीं आया इसमें। ये रेस दोबारा होगी इनकी। अच्छा तो इसे ही अभी हम इनको मार्क लगा के दे रहे हैं। और कीमती क्या हाल है? ये हमारी कीमती, कीमती इधर 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 क्या हाल है? हाय तो कर दे, हाय बोल दे। ले ली दवाई? हैं दवाई ले ली? ले ली दवाई? वो कौन सी ले रहे हैं तू? लाल परी है बता दे। इधर जाना, इधर जाना। वर्कआउट बहुत हैवी चल रहा है और देख रहे हो आप जैसे कि सुबोध भाई पूरा एकदम कोर का वर्कआउट करते हुए। और ये हमारे प्रधान जी, ये किस चीज़ की एक्सरसाइज है? ये ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये हमारे विपिन भाई से देख के इसने ये सीखी है। और हमारे अच्छा बैठे इसकी हालत हालत खराब हुई पड़ी है पूरी ढंग से, गर्मी ज्यादा हो रही है आज, क्योंकि 400 मीटर की स्प्रिंट मारी है। कितनी देर मारी है? एक चार में कंप्लीट करी है, एक दस में हुई और एक दस में हुई है भाई की। आज बहुत अच्छा मतलब दौड़े हैं, मजा आ गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भाई। ओके ये आदमी तो चीता चीता हाँ ये देखो हाँ क्या 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 कर रहा उनको कौन भाई स्ट्रेचिंग कर रहे हैं उन्हें लगे ना जब हारने वाले हैं तो पाम पकड़ लें किसके पाम पकड़ लें अच्छा ना अच्छा बहाना है इसके पास में हार दिख है तो पाम पकड़ के बैठ जाए मेरे खिंच गई नस ये स्ट्रेटजी अपना रखी है दिमाग से खेले आते ही ग्राउंड में करने लगे पैर में दर्द है जैसे ही हारा एकदम से पकड़ ले मसल से चलो ये भी बात बढ़िया तेरी सोनी तू क्या कर रहा है भाई मैं भाई करते ना रनिंग ये तो सब ठीक हो गया रनिंग कर ले फिर क्या कर रहा है वर्कआउट जिम बॉडी बनाएगा है ये तो फालतू की बकवाद कर रहे हैं वैसे ही बेमतलब धंधा मतलब धंधा हमारे ठीक है ठीक और बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे फन कर रहे हैं और बाकी आप देख रहे हो वर्कआउट अभी चल रहा है और
अभी मैं भी वर्कआउट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। गुरु जी अब कौन, कौशब अब कौन आ रहा है, कौन आ रहा है? वीरू भाई हैं। हाँ हमारे ये अभी दौड़ेंगे, ये हमेशा तैयार रहते हैं दौड़ने के लिए, कभी मना नहीं करते। अच्छा तो मैं इनके साथ प्रमोट करना चाहता हूँ विकास डुल्ला को। विकास वाओ विजयगढ़ का काफी मेहनती है, तो काफी अच्छा कंपटीशन है और देखते हैं पवन के साथ कौन करेगा। मैं सोनित पवन का एक राज आज पता चला हमें, मोहित ने आज एक राज बताया है बहुत अच्छा, वो मैं बाद में बताऊंगा। तू हमें सोनित प्रधान है। हाँ। इनका मतलब साइज गिर जाता है, थोड़ा दौड़ लेते हैं, लेकिन हम कोशिश करेंगे इनका साइज जो है बरकरार रहे। मोबाइल गार्ड लगाओ गया तेरा पवन, एक बताया ने तेरी बहने बाद पतन क्या क्या है यार, जैसी हारने लगे स्टार्ट करते हैं, रेस के लिए तैयार होते हैं। ठीक है चलो स्टार्ट करो यार, मैं माहौल सेट कर रहा हूँ। ना ना भाई दोनों इसके बाहर टाइमिंग देख रहे हैं, तुम्हारी टाइमिंग लगा दी, रुक जा भाई, रेडी हो? 1 2 3 go। वाओ नाइस भाई, यहाँ से लगा दू क्या ना भाग के, क्या क्या यहाँ से भाग के लगा दू क्या भी ने? नहीं आप रहने दो, आप यार आप प्रो हो। ओ कीमते पानी दे ले, एक मेरा और सोनित। अरे मैं चाहूंगा मोहित भाई दोबारा रेस में आए, पहले चीटिंग कर दी, बिल्कुल भी ना दिखाई दे रहे 1% भी। पवन के साथ सुबोध और पवन, मैं अपने गुरु को भी हरा ही नहीं सकता। गुरु को यहाँ कोई गुरु को खत्म, बहुत अच्छे और ये आते हुए कितने में करा, 1:06 वीरू ने 1:06 भाई वाह बहुत बढ़िया, बधाई हो कॉन्ग्रेचुलेशन। 1:06 में इन्होंने आज काफी मजा आया, फीता खोल भागा हुआ आज, फीता डुल्ला भी अच्छे दौड़े हैं वो, फीता खोल उन्होंने एक भागा फीता खोल गए, हो बस आग आग में निकल गई हो, देख लेना कभी आग निकल रही हो इसमें, क्या करा दिया देश ने, एक पता गवा दिया आज। किससे? ये हमारा हिंदुस्तान चला गया, हम तो डुल्ला सोच रहे डुल्ला निकल जाएगा आगे। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी हार के बारे में, कुछ बताएं। कोई ना प्रैक्टिस की बात है, प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा, बहुत अच्छा दौड़े वीर भाई, पहले भी भरपूर भी बट के आगे इसको दुख भी है बहुत बढ़िया। कैसा लगा तो ये आपकी अब तक बेस्ट परफॉर्मेंस होगी शायद? बिल्कुल, चलो अभी हम एक ही स्टार्ट करते हैं पवन और सुबोध के बीच में। अच्छा इतने रह रहे हैं अभी तो, बहुत बढ़िया अभी तक का मेरा बेस्ट था। अब किसका? सुबोध और पवन। सुबोध और पवन क्या आज? सुबोध और पवन तो है ही नहीं, सब ताली बजाएंगे इन दोनों के लिए। सौ ये देखो बहाने बनाते हो, और जब सु जो है डर रहे हैं पवन की रेस से, ये काफी मतलब फुर्तीले हैं हमारे जो पवन हैं, काफी तेज दौड़ते हैं, ये मजा नहीं आया मतलब। तो मुझे लगता है वो सुबोध भाई दे सकते हैं, बस टफ कंपटीशन आपका है वीरू भाई के साथ। ठीक है भाई, मैं ढाई ढाई ये इधर आओ, किसके साथ? वीरू के साथ, वीरू भाई के साथ, हमारे कोच के साथ। अच्छा कौन भाई साहब? कौन ये ठीक है, ये ठीक है, चलो ठीक है। और ये आज को साहब दोनों के बीच में, वाओ क्लैपिंग गाइस, क्लैपिंग, चलो 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 कम ऑन, ना सीटी में मार रहा है, सीटी मुझे आती नहीं। आओ चलो कौन करेगा वो टाइमिंग देख लेना, भाई भाई टाइमर लगा लो, टारगेट 1:03 भाई, टारगेट से मतलब नहीं है, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो जाओ। हाँ
टाइम टाइमिंग करनी भाई हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान यार ये देखो कोई ना आओ अरे जा के चलो हां भाई जी तुम चलो ये देखो पवन और कदम पीछे छोड़ते हुए वीरू अब देखते हैं क्या तू कर रहा तू चलो चलो रख दो आओ रखती आ जाओ रखने की आओ चलो आया आ सुनीता चलो सोनित का चैलेंज है कह रहा है कि फिर बाद में स्क्यूज देंगे डंबल लेग दौड़ो ए सोनित को पैदल आ लेंगे सोनित पे 400 मीटर पूरी हो जाए वही बहुत है सोनित डंबल तो ले लो काहे को डंबल सुखेगी ना सॉरी डंबल चला दूं तो चला उल्टा भागूं चल सोनित पीछे सुबोध की दौड़ हो रही है पीछे रुक सारी ऑडियंस देखती हुई रुक जा भाई रुक जा सांस ले पहले कैप ये देखो फुल हवाबाजी में आओ पीछे डंबल लेके बहुत ही है फुल हवाबाजी में हाँ आप देख सकते हो डंबल लेके दौड़ रहे हैं हाँ और सोनित के साथ वो भाई ओए अगर जो मैं आ जाऊं तो काटते नहीं थे हाँ हाँ किधर भी इतने कौन चुनाए तो हमारा छोटी रेस का घोड़ा है जो हाँ चलो लंबी रेस में दौड़ा रहे हैं हाँ 1 2 3 गो चल 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 अब देखते हैं हमारे कोच साहब का 58 सेकंड का 400 मीटर का रिकॉर्ड है कौन तोड़ पाएगा अभी मतलब बस मुझे छोड़ के मुझे छोड़ के इसीलिए हम आपको दौड़ने के लिए नहीं कह रहे हाँ क्या इसीलिए हम आपसे बोल नहीं रहे आप दौड़ो क्योंकि मुझे हमें पता है वो तो नहीं चाहता कि मेरे कोच की साख पे कुछ बात है मैं नहीं मैं भी नहीं चाहता मैं नहीं तोड़ूंगा ये भी मैं नहीं तोड़ूंगा मैं तोड़ना नहीं है मैं नहीं तोड़ूंगा तोड़ना नहीं बराबरी करनी है बराबरी भी नहीं करूंगा मैं अपने कोच के चलूंगा चलो मैं नहीं जाऊंगा मैं कुछ नहीं करूंगा 59 में कर लेना नहीं मैं 1 मिनट के बाद आऊंगा आप कोच को खुद से ही जिता देना कोई दिक्कत नहीं चलो कोई नहीं बहुत बढ़िया बहुत अच्छा लगा और सो थैंक यू गाइस और बहुत अच्छा लगा हां वही था एक तो दौड़ ले हां बिल्कुल एक तो बनती है चलो थैंक यू किस किस की फाइनल रेस है भाई 1 2 3 फाइनल रेस है बस स्ट्रेटजी के साथ मोहित के साथ साथ रहेंगे टाइमिंग काउंट होएगी टाइमिंग 15 सेकंड हो गया वर्कआउट फुल बिल्कुल क्या करा आज आज मैंने प्लैंक किए थे 20 20 20 प्लैंक और 20 साइड 20 मतलब कितने सेकंड प्लैंक कितने सेकंड की एक एक मिनट के 20 सेट वाओ नाइस बहुत बढ़िया क्या कर रहा 60 स्प्रिंट 20-20 मिनट 60 स्प्रिंट 20-20 सेकंड वाओ नाइस तो गाइस देख सकते हो आप कितना वर्कआउट चल रहा है बहुत अच्छा यहां पे वर्कआउट कर रहे हैं और काफी अच्छा लग रहा है टाइमिंग देखो चल रही है और इनकी अभी रनिंग पूरी होने वाली है सुबोध भाटी एंड मोहित नागर बहुत अच्छा खींच के आपका कितना था 1:3 मेरा 1:6 1:6 बहुत अच्छे बहुत बढ़िया साउथ 400 मीटर की रनिंग की है आप अभी पूरी कंप्लीट और सीरियसली बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है और ये ऐसा नहीं है कि भाई 1-2 दिन की प्रैक्टिस कम से कम महीने 2 महीने इन्होंने प्रैक्टिस करी है और बहुत बहुत अच्छे वाकई में और आप देख सकते हो हम जिम में भी एक्सरसाइज करते हैं और यहाँ पे हम अब अपनी फिजिकली स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हम ये वर्कआउट कर रहे हैं देसी वर्कआउट कर रहे हैं जो कि ये बहुत ज़रूरी है तो मैं सबसे ये बोलूँगा कि वर्कआउट करो रनिंग करो अपनी स्ट्रेंथ के लिए अपनी फिटनेस बनाने के लिए अपना जो कहते हैं ना कि भाई हमारे अंदर स्ट्रेंथ बहुत कम है सांस जल्दी फूल जाता है तो आप प्रैक्टिस करोगे तो अमेजिंग सो गाइस थैंक यू सो मच व्यूज़ देख सकते हो आप तो बहुत अच्छा लगा और थैंक यू आपने हमारी पूरी वीडियो देखी पूरा ब्लॉग देखा और मेरा अभी मुंह थोड़ा सा मोटा हो रहा है क्योंकि मैं लेटा थोड़ा मोटा हो गया पूरे लॉकडाउन में घर में था आज बहुत ज़्यादा हमने फ़न किया एंजॉय किया थैंक यू गाइस लव यू लव ऑल वीडियो में जो अच्छा पार्ट आपको लगे उसे आप कमेंट में बताओ और मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ और क्या आपको अच्छी लगी क्या बुरी लगी आप बिल्कुल सजेशन दे सकते हो और मैं बिल्कुल आप लोगों की बात को मानूंगा और थैंक यू गाइस